तो मैंने अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही फुली डायमंड आर्मर और डायमंड टूल्स बना लिए थे। तो इस वाले एपिसोड के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ 5 बेसिक्स फार्म जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब कि अभी मुझे स्टोन चाहिए तो प्रॉपर माइन करने जाना पड़ता है और छोटी मोटी चीजों के लिए मैं नहीं चाह रहा कि मुझे इधर उधर जाना पड़े। छोटे छोटे फार्म होंगे, इनको बनाकर हम लोग अपनी सीरीज में बहुत तेज आगे बढ़ने वाले। व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। वेल, तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं एक आयरन फार्म, कॉज स्टार्टिंग में आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है और सेकंड चीज मुझे ये फार्म अच्छे से बनाना भी आता है। लेट्स गो, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा, तो फटाफट से सारा सामान इकट्ठा करते हैं। बट उससे पहले मुझे कुछ छोटे मोटे और इंपॉर्टेंट काम है तो वो भी निपटा लेते हैं। तो शीप से मैंने वूल ले लिया है और वूल से मैंने ढेर सारे बेड बना लिए, क्योंकि ज्यादा बेड होंगे तो ज्यादा विलेजर्स आएंगे और मुझे विलेजर्स इसलिए चाहिए क्योंकि बिना उनके आयरन फार्म बनने नहीं वाला। तो अभी ना मैं एक सेपरेट चेस्ट बना लेता हूँ, जितना भी सामान मुझे चाहिए होगा आयरन फार्म के लिए वो सारा का सारा मैं इसके अंदर ला के रखूंगा। तो मैंने काफी सारे ब्रिक्स रखवा दिए हैं और मैं कुछ स्पेशल ब्लॉक्स यूज करने वाला हूँ, एमेथिस्ट के कुछ ग्लास चाहिए होंगे, ये भी मैंने यहाँ पे रखवा दिए हैं। बाकी और मुझे चाहिए होगा इसके लिए थोड़े बहुत कोबल स्टोन्स, मतलब ये थोड़ा टेम्पररी ब्लॉक्स की तरह हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। बाकी और भी छोटा मोटा सामान चाहिए, फटाफट से वो भी इकट्ठा करके यहाँ पे रखते हैं। ऑलराइट, तो भी फिलहाल सारा का सारा सामान इकट्ठा हो गया है जो भी हमें आयरन फार्म बनाने के लिए चाहिए था, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे सोल में नहीं मिलती। यस, तो अभी मैं जाने वाला हूँ नेदर में सोल सैंड लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक प्यारा सा लावा पूल भी है और इस लावा पूल में मैं बहुत इजिली एक पोर्टल बना सकता हूँ। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान ऐसे हटाते हैं और जल्दी से पोर्टल बनाते हैं। लेट्स गो, अभी हम लोग आ चुके हैं नेदर में। शील्ड में रख लेता हूँ अपने पास, क्योंकि मैंने अभी कोई भी ना गोल्ड का टूल पहना नहीं और सामने यहाँ पर कुछ पिगलिंस घूम रहे हैं। बाय द वे, मुझे यहाँ पर मास्क एकदम सोल सैंड मिल चुके हैं, थोड़ी सी इकट्ठी करते हैं और फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट और पंगेबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, बाद में आएंगे यार, इनको आराम से तोड़ के जाएंगे। वेल, तो मैं वापस आ चुका हूँ नेदर से, फटाफट से ना चल के सारा सामान एक जगह पर रखते हैं। ऑल डन गाइस, तो ये है वो सारा का सारा सामान जो कि मुझे आयरन फार्म बनाने के लिए चाहिए था, जो कि मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है और मेरे पास लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी और एकदम क्लीन है। तो कुछ बेड्स यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बना रखे थे, फटाफट से ना चल के पहले विलेजर्स को दे देते हैं, क्योंकि मैं इनको भी बहुत सारे बेड देके ना बहुत सारी ब्रेड वगैरह खिलाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी ब्रीड करें और अपनी तादाद बढ़ाएं। ओके, तो मैंने ये लोकेशन फाइनल करी अपना आयरन फार्म बनाने के लिए, कोज अपने घर के पास है, तो फटाफट से यहाँ पर एकदम ब्लॉक्स लगा के ना पहले थोड़ा बहुत हाइट पे चलते हैं और फिर यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एमेथिस्ट। कोज इस पे जब चलते हैं ना और इसे प्लेस करते हैं, एक प्यारा साउंड आता है। मैं हमेशा स्टोन ब्रिक्स यूज करता था बट इस बार कुछ मस्त ब्लॉक यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना एक सिंपल सा एक 5x5 का स्क्वायर प्लेटफॉर्म बना लिया है कुछ इस टाइप से, इसे पूरा करते हैं अभी। डन, तो मस्त प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब क्या करना है मुझे ना, इसके साइड साइड में ग्लास लगाने हैं एकदम ऊपर तक। ओके डन, तो पूरे के पूरे ग्लास यहाँ पर लग चुके हैं। अब फटाफट से काम करते हैं कि ना पहले तो मैं यहाँ पर एक बेड रख देता हूँ, 2-3 बेड रखेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स जो लाके भरने हैं। एक बेड ये रहा, इसको भी मुझे यहाँ पर एकदम कोने में टिका देना है। लेट्स गो, बीच के कुछ ब्लॉक्स तोड़ के ना मैं यहाँ पर सोल सैंड और ट्रैप डोर ब्लॉक्स लगा देता हूँ। ओके डन, तो साइड साइड में मैंने ट्रैप डोर लगा के ना एक मस्त शेल बना दिया और इस शेल के अंदर मैं रखने वाला हूँ ज़ॉम्बी को। तो जो राइट एंड लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक्स है ना फालतू के कॉबल्स, इसको हटा देता हूँ। अब इसके बीच में ना गाइस देखो, मैं भरने वाला हूँ पानी और यहाँ पर लाएंगे ज़ॉम्बी। अब ज़ॉम्बी साइड ना आए तो इसलिए स्लैब लगा दिए, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मैं पहले तो ऊपर चले जाता हूँ। यही पानी मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर। अब आपको पता होगा सोल सैंड किस तरीके से पुश करेगा और जब ज़ॉम्बी पुश होगा ऊपर की साइड में तो वो फंस जाएगा एक तरीके से, और ज़ॉम्बी से मस्त एकदम विलेजर्स डरने वाले हैं और फिर एक नया आयरन गोलम स्पॉन होते रहेगा। लेट्स गो, यहाँ पर ऊपर ये कवर कर दिया मैंने बेस, क्योंकि इसी जगह पर आयरन गोलम स्पॉन होने वाला है। ओह भाई साहब, नीचे से तो ज़ॉम्बीज़ की पूरी बारात आ रही है, बट यहाँ पर गोलेम भी है। इधर आवे, तू मेरे साथ चल, अभी ये जाकर अगर उनको मार देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी यहाँ पर एक क्रीपर भी आ रहा है। भाई मैं ज़ॉम्बीज़ कलेक्ट करूँ तो करूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ क्रीपर और गोलेम अलग मारे जा रहे हैं ज़ॉम्बीज़ को, और मुझे ज़ॉम्बी भी एक ऐसा चाहिए होगा जो सामान ड्रॉप करने पे उठा ले, कॉज मेरे पास नेम टैग नहीं है और उसमें मैं फार्म में ले गया तो शायद से वो डिस्पॉन हो जाए। बाकी ये देखो, ये नहीं छोड़ेंगे भाई, कुश्ती कर रहे हैं, महाभारत का मैदान बना रखा है भाई, लड़े ही जा रहे हैं। 4-4 ज़ॉम्बी यहाँ पर बचे हैं, इसको देखो गोलेम को, पूरा बदतमीज है। वेट, यहाँ पर ना काफी सारा सामान ड्रॉप हो रखा है, थोड़े बहुत कॉबलस्टोन और फेंक देता हूँ, लेकिन मतलब ही है भाई, कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इस टाइम गोलेम अपनी बिरादरी को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, वो जान मुझके ज़ॉम्बीज को मार रहा है ताकि आयरन फार्म ना बने। ओके, तो 3 यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, मैं कॉबलस्टोन ड्रॉप कर रहा हूँ,
ये भैंस की तीनों बदतमीज है भाई, बिल्कुल भाई अकड़ आ गई यार। ज़ॉम्बीज में पहले नहीं होता था भाई ये सब, अभी देख रहे हो तीनों के तीनों कुछ नहीं उठा रहे यार। पहले तो यार गोलम निपटा दू वरना ये फार्म बनने ही नहीं देंगे आयरन का। भैंस के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रसाद बट रहे हैं, सारे के सारे लेने आ रखे हैं बट इनको प्रसाद पसंद नहीं आ रहा। अबे इतना पीटू मैंने, रुक जाओ, दिन होने वाले सारे जलेंगे, लावा डाल दूंगा। लो भैंस, एक मिनट ये लो, इनके ऊपर डालना था मुझे। भैंस की टांग पूरी रात बीत गई, अगला दिन हो चुका है, क्रीपर फूट गए, स्केलेटन के तीर खत्म हो गए, लेकिन ज़ॉम्बी ने एक ब्लॉक नहीं उठाया। मतलब मुझे क्या अभी जाके एक नेम टैग ढूंढना पड़ेगा भाई, क्या बदतमीज। एक काम करो, ये सब छोड़ो, मैं अभी पहले ना विलेजर्स को ले जाने का इंतजाम कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत रेल लगानी है और माइन कार्ड बनानी होगी, थोड़ा बहुत सिंपल ही है, इस तरीके से मैं आराम से ज़ॉम्बीज और विलेजर्स दोनों को ले जा सकता हूँ। अब यार देखो, मैंने बिना पावर ड्रिल के विलेजर्स को अपनी इस फार्म के अंदर लेकर जाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ना इस बोट में विलेजर को बिठा के रेल ट्रैक तक ले जाऊंगा जो मैंने बिछाया है। अभी से एकदम सेंटर में लगा के पीछे से माइन कार्ट को धक्का मारूंगा ताकि ये फुल स्पीड में इसके साथ बैठा बैठा वहां तक चले जाए। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने पूरे के पूरे तीन विलेजर्स को लाकर अपने इस आयरन फार्म के ट्रैप में फंसा दिया है। बाकी यार देखो, मुझे ना मिनिमम तीन विलेजर्स ही चाहिए थे, क्योंकि जब तीन विलेजर्स एक साथ डरते हैं किसी ज़ॉम्बी से तभी आयरन गोलम स्पॉन होता है। बाकी अब ठीक है, सारा काम हो चुका है, बस मुझे रात होने का करना है, क्योंकि अब बस मुझे ज़ॉम्बी लाना है और अपना फार्म कंप्लीट। वेल, तो अगली रात हो चुकी है और यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आ गए हैं और ये भी बदतमीज है। अबे कॉबलस्टोन उठा लो भाई, बढ़िया आइटम होता है, मतलब ही नहीं है यार इनको। एक सेकंड, शायद से कॉबलस्टोन नहीं उठाना चाहते। एक सेकंड, एक्स उठाओगे? नहीं भाई, एक्स भी नहीं उठाओगे। डायमंड चाहिए क्या फिर? ये लो शवल ले लो। अरे भैया उठा ही नहीं रहा यार कोई, मैं फार्म बना, अरे तेरी ऐसी की तैसी, गेल ले, तू भी उठा ले, स्पाइडर ही ले जाके रख दूंगा वहां पे। एक सेकंड, ओए उसने टर्ट उठा लिया एक्स को। अब बस मुझे यहां पर कुछ मॉब्स को निपटाना है, क्रीपर इसकी ऐसी की तैसी, निकल यहां से, तू पहले आ जा। एक क्रीपर वैसे पीछे, तेरी भैंस की, अबे इसके लगी कैसे नहीं। एक मिनट, ज़ॉम्बीज पीछे है, क्रीपर ब्लास्ट करवा दूंगा ना तो सारे के सारे स्पाइडर वहीं मर जाएगी। अरे हट जाओ यार, परेशान कर दिया भाई, क्या क्या चाह रहे हो भाई तुम लोग, निकल तेरी। भाई शॉर्ट मारूंगा इनके मुंह ही मुंह पे। दो क्रीपर आ रहे हैं, एक भी नहीं दो क्रीपर आ रहे हैं, बट भाई वो जो वाला ज़ॉम्बी देख रहे हो लेफ्ट वाला, उसको संभाल के रखना है भाई, वो ही अपने मजे कराएगा। अरे भैंस की कौन सी चक्की का आटा खाता है यार, क्रीपर मर ही नहीं रहा, गया क्या? ओ भाई फाइनली मरा यार तुम्हारी, निकलो यहाँ से, उसके ना लग जाए भाई गलती से, पता लगा डर्ट फेंक के मारे मुंह पे। आ जा भाई आ जा, सारा रास्ता क्लियर हो गया। अगर अब क्रीपर स्पॉन हुआ ना, पहले क्रीपर फार्म बनाऊंगा फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आयरन फार्म बना। तेरी ओए भैंस की, नॉक बैक लगा के आया क्या, इतनी दूर पैक रहा है भाई। यार ये ज़ॉम्बी ना मुझे बहुत ज्यादा शरीफ लग रहा है यार, कोई ज़ॉम्बी उठा नहीं रहा था, इस बेचारे ने ब्लॉक उठाया और इसको अपने ट्रैप में फंसा दिया। उदास दया आ रही है यार उसके ऊपर मुझे सच्ची में। अब जिंदगी भर सोचो वो यहाँ पर कैद रहेगा, गोलम स्पॉन होते रहेंगे, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन वो बेचारा यहीं कैद रहेगा। ऑल डन गाइस, तो अभी अपना इनफाइनाइट आयरन फार्म ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। बस अभी ना यहाँ पर मुझे आयरन गोलम को किल करने की चीज बनानी पड़ेगी, मतलब आयरन गोलम अभी यहाँ पर इनफाइनाइट स्पॉन होते रहेंगे। अब बस मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिससे कि आयरन गोलम जो है लावा से जल के मरे और उसका जो आयरन है वो हमारी एक चेस्ट में आके कलेक्ट हो जाए। ओके गाइस, तो फाइनली अपना आयरन फार्म प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे एक वाटर बकेट यहाँ पर लाकर डालनी थी, क्योंकि मेरे को फ्लो ना सेंटर में सेट करना है ताकि आयरन गोलम जब यहाँ पर स्पॉन हो तो वो एकदम बीच में मस्त लावा के अंदर जाके जले। बाकी ठीक है, सब कुछ एकदम मस्त वर्क कर रहा है। कुछ फालतू के टेम्पररी ब्लॉक्स यहाँ पर हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अपने फार्म कितना मस्त है। ओके देखो, वो टेम्पररी वाली सीढ़ियां तो हटा दी, इसलिए मैं कुछ लेटर्स बनाकर लाया हूँ ताकि मैं सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर जाऊँ, क्योंकि आयरन भी तो कलेक्ट करना है और वो सेटअप प्रॉपर ऊपर हो रखा है। ये रे अपने विलेजर्स, और यहाँ पर देखो आयरन आ भी गया, 12 आयरन मुझे मिल चुका है, इसकी पानी ही नहीं था। अब यार देखो, आयरन फार्म मैंने बना लिया, बट अभी मुझे बाकी 4 और फार्म बनाने हैं और उसके लिए मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा। ऐसी आड़ी टेढ़ी जगह पर मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए फटाफट से अपनी डायमंड शवल का यूज करके कुछ एरिया को फटाफट से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सारा का सारा फालतू एरिया क्लियर हो चुका है और अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक स्टोन फार्म। तो फटाफट से थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट कर लेते हैं जो भी मुझे उसे बनाने के लिए चाहिए। तो सारा सामान हो चुका है, बट मुझे ना कुछ हॉपर्स चाहिए और हॉपर्स बनेंगे आयरन और चेस्ट को मिला के। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ना आयरन ले लेते हैं भाई, अपना फार्म एकदम मस्त काम कर रहा है। बाकी गाइस, बारिश ने ना मेरा इस वाले वर्ल्ड में भी पीछा नहीं छोड़ा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं अपने फार्म का कलेक्टिंग एरिया बनाने वाला हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 डबल चेस्ट रख दी है और अभी ना इनको फटाफट मैं चारों तरफ से कवर भी कर देता हूँ और
और फिर उसके बाद मैं इन चेस्ट के ना एक सेकेंड हॉपर्स लगा देते हैं, क्योंकि जितना भी सामान आएगा वो सारा का सारा इन चेस्ट में एकदम प्रॉपर जाना चाहिए। अब इसको भी फटाफट से एक लेयर और ऊपर मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ, और यहाँ पर लगा देते हैं स्टेयर्स थोड़ी बहुत अच्छी फील आने के लिए भी, प्लस पानी का जो फ्लो है वो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स में रहे उसके लिए। डन गाइस, तो अभी यहाँ पर मैंने एकदम मस्त वाटर फ्लो सेट कर दिया। अब सामान कहीं भी ड्रॉप हो जाने वाला इन हॉपर्स में और हॉपर से चेस्ट में, बाकी ठीक है। इसके ऊपर मेरे को एक लेयर से और कवर करना है कुछ इस टाइप से। ओके, तो भी फटाफट से मैं यहाँ पर ढेर सारा लावा डाल देता हूँ ताकि जितना भी वाटर है वो सारा कॉबलस्टोन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो फार्म कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत सिंपल फार्म था, बस ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए हमें एएफके बैठना पड़ेगा। बाकी अभी ना मुझे एक साइन बोर्ड बना के लाना है, और अभी ना मैं एक मस्त साइन बोर्ड बना कर ले आया हूँ, उसको यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि जब मैं इस स्टोन को तोड़ूंगा ना तो हो सकता है पानी बाहर आ जाए, बट अगर मैं साइन बोर्ड लगाऊंगा तो पानी नहीं बाहर आएगा और मैं धड़ाई धड़ी सारे के सारे स्टोन यहाँ पर तोड़ते रहूंगा। अब इसके बाद आप अपने माउस के बटन पे चाय का गिलास रखो या फिर माचिस की डब्बी, बस हमें यहाँ पर बैठ के माइन करना है। ऑल डन, तो अभी मैंने दो फार्म कंप्लीट कर लिए हैं, आयरन फार्म एंड स्टोन फार्म, और अब बारी है शुगर केन फार्म बनाने की। बाकी यार ये बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। लेट्स गो, यहाँ पर मैंने ढेर सारा शुगर केन इकट्ठा होने के लिए लगा रखा था, बट इसको आकर इकट्ठा करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ना पहले चलता हूँ नेदर में, कॉज ये फार्म, एक मिनट रुको यार, पहले ना इसे तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जब तक मैं नेदर वगैरह से होकर वापस आऊँ ये दोबारा उग जाए, एक्स्ट्रा शुगर केन हो जाएगा। लेट्स गो, नीचे वाले को छोड़ के सारा का सारा तोड़ के यहाँ पर मैं मस्त एकदम इकट्ठा कर लेता हूँ। बाकी भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फार्म को बनाने के लिए नेदर जाने की क्या जरूरत है, तो देखो हमें चाहिए होंगे क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स मिलेंगे नेदर में, और क्वार्ट्स से बनते हैं ऑब्जर्वर। अब ये वाला फार्म फुली ऑटोमेटिक होने वाला है, तो फुली ऑटोमेटिक बनाने के लिए यार देखो ऑब्जर्वर चाहिए ही होगा। लेट्स गो, इसलिए चलना पड़ेगा मुझे नेदर में, और नेदर में ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इसको पहले तो संभाल के रख देते हैं, और मैं चेस्ट वगैरह फालतू का सामान रख देता हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ मर जाऊंगा, मैं मिली कॉबल स्टोन लेने यहाँ पर आया था। मतलब यार देखो नेदर में ना कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लावा वगैरह रहता है, तो अभी लाइटर वगैरह कुछ है नहीं, तो ब्लॉक्स चाहिए रहते हैं कुछ बना के आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ नेदर में, और एक जब हम नए नए नेदर में आते हैं ना तो एक थोड़ा सा डर रहता है, बट मेरे अंदर नहीं है। लेट्स गो, यहाँ पर पीछे बहुत सारा लावा है और क्वार्ट्स भी मुझे नजर आ गए हैं, और देखो इसलिए मैं लेकर आया था कॉबल स्टोन। मैं अपनी पिकेक्स की ना हेल्थ ज़्यादा फालतू वेस्ट नहीं करना चाहता, बार बार डायमंड माइनिंग के लिए नहीं जाऊँगा। अभी वैसे इसमें एंशेंट वगैरह नहीं है, बाकी ठीक है। एकदम मस्त क्लाइंब करता करता मैं ऊपर आ चुका हूँ, और क्वार्ट्स ये रहे, ठीक है। इसको फटाफट से तोड़ते हैं, और मुझे थोड़े बहुत ऑब्जर्वर चाहिए, तो थोड़ा बहुत ही क्वार्ट्स यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। ऑल डन, तो इस वाली चेस्ट के अंदर सारे के सारे क्वार्ट्स मैं रख देता हूँ। बाकी और भी जो जो काम के सामान मुझे चाहिए वो मुझे अभी भी यहाँ पर कलेक्ट करने हैं, जैसे कि मेरे पास ढेर सारा रेड स्टोन है, इसका भी यूज होने वाला है, तो इसे कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर सारा सामान रखवा देता हूँ। ऑल राइट, तो भी मैंने सारा का सारा सामान बना लिया जो भी मुझे फार्म को बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पर मैंने डबल चेस्ट ला के रख दी है, और इसके पीछे मैं लगाने वाला हूँ ये दो हॉपर, क्योंकि मैं सबसे पहले कलेक्टिंग वाली चीज ही बनाता हूँ जिसमें सारा सामान आगे कलेक्ट होना चाहिए। ऑल राइट, तो सारा बेस सेटअप हो चुका है, यहाँ पर मैंने पीछे वाटर डाल दिया है ताकि ग्रास पे मैं शुगर केन प्लांट कर पाऊँ। अब इसके ऊपर मुझे लगाने होंगे यहाँ पर कुछ पिस्टन्स, क्योंकि पिस्टन शुगर केन को तोड़ने का काम करेंगे, बट इनको एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर लगाने होंगे इनके ऊपर ऑब्जर्वर्स। ओके, तो अब ये जो ऑब्जर्वर्स हैं डिटेक्ट कर लेंगे शुगर केन ग्रो हुआ या नहीं, और पावर दे देंगे पिस्टन को कि शुगर केन को तोड़ना है या फिर नहीं। बट शुगर केन तो तब टूटेंगे ना जब हमारे पास होंगे, इसीलिए लेट्स गो, फटाफट से यहाँ से शुगर केन को तोड़ के लेकर चलते हैं वहाँ पे लगाने के लिए। मेरे पास वहाँ पे जो शुगर केन पड़े थे चेस्ट में, लेकिन मैं फिर भी एकदम ताजे ताजे तोड़ के ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फटाफट से यहाँ पर प्लांट कर देते हैं, और आई थिंक अपना जो फार्म है कंप्लीट हो चुका है। अब बस थोड़े बहुत ग्लास से मुझे इसे कवर करना है, और बैक साइड में रेड स्टोन सेटअप करना है। तो रेडस्टोन के लिए ब्लॉक्स लगा दिए, इस तरफ में मैं ग्लास लगा के इसको पूरा का पूरा कवर कर देता हूँ, और ये एकदम मस्त बन चुका है। डन गाइस, अपना फार्म कंप्लीट हो चुका है, पीछे मैंने रेड स्टोन डस्ट भी सेटअप कर दिया है। अब ये वाला जो फार्म है ना ये मल्टी लेवल फार्म होने वाला है, तो इसका मैं एक फ्लोर और बनाऊंगा, और जितने ज्यादा फ्लोर होंगे ये उतनी तेज काम करने वाला है। ऑल डन गाइस, तो फाइनली अपना शुगर केन फार्म कंप्लीट हो चुका है, मैंने टोटल इसके दो फ्लोर बनाए हैं। एक मिनट, जो एक्स्ट्रा शुगर केन है पांच ही उसमें से मिला था, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रखवा देता हूँ अंदर, बाकी यहाँ ये थोड़ा स्लो होगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए देखे तो बहुत ज्यादा शुगर केन इकट्ठा कर देगा ये। फार्म नंबर फोर, वीट फार्म। अब यार देखो इस फार्म को बनाने के लिए मुझे दोबारा से थोड़े बहुत होपर्स चाहिए होंगे, और मेरे पास सारा का सारा वुड खत्म हो चुका है, और आयरन तो है नहीं, तो मैं होपर्स भी नहीं बना पाऊंगा। क्या पड़े हैं क्या थोड़े बहुत, एक मिनट, सारी की सारी चेस्ट ऐसे खाली हो रखे, तीन तीन आयरन है, बट कोई नहीं, अपने पास इनफाइनाइट आयरन फार्म है, तो यहाँ से मुझे ढेर सारा आयरन मिलता रहेगा। लेट्स गो, चल के देखते हैं कितना कलेक्ट हो चुका है। गोलम के
कुटाई ही चल रही है ऊपर। तो भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट दो स्टैक होने वाला है, लेट्स गो। एक मिनट, किसी ने नहीं देखा भाई, बट हॉपर्स के लिए तो यार वुड ही नहीं है यार एक भी। लेट्स गो भी, फटाफट से मैं जाने वाला हूँ जंगल थोड़ा बहुत वुड इकट्ठा करने के लिए। डन, तो सब कुछ हो चुका है और अभी मैं कलेक्टिंग के लिए यहाँ पर चेस्ट लगा देता हूँ और इस चेस्ट के पीछे मैं लगाने वाला हूँ हॉपर्स ताकि सारा का सारा सामान एक ही जगह पर आकर कलेक्ट हो। बाकी अबे ये क्या है, हेलो, खैर ठीक है वहां पे होपर्स लगे, मुझे लगा मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं लगाए जा रहा हूँ बट लग नहीं रहे। हाँ तो अपना फार्म थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि वीट मुझे बहुत सारा चाहिए होगा। कलेक्टिंग एरिया बन चुका है, अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ बेस जिसके ऊपर मुझे लगानी होगी सीड। हम लोग थोड़ी बहुत सीढ़ीदार खेती करने वाले हैं, मतलब आप लोग को पता होगा कि जो पानी है वो मैक्सिमम 7 ब्लॉक्स तक जाता है, तो हम लोग ऊपर से पानी डालेंगे ताकि सारी वीट एकदम कट जाए। तो हम लोग ना ऐसे 7 ब्लॉक्स की स्टेयर्स बनाते हुए चलते हैं डर्ट से। All done. तो finally मैंने अपने वीट फार्म का पूरा का पूरा बेस बॉर्डर कंप्लीट कर दिया और इसके बीच में मुझे डर्ट फिल करके इसे पूरा यहाँ क्यों नहीं लगी, ये लो लेट्स गो इसे पूरा भरते हैं जल्दी से, लेट्स गो। तो फाइनली पूरा बेस कंप्लीट हो चुका है, अब मैं बनाता हूँ इस पूरे फार्म की एक मस्त बाउंड्री। ऑल राइट, तो यहाँ पर एकदम मस्त बाउंड्री भी बन चुकी है और अब मैं लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर लगाने के लिए सीड एंड हॉय, क्योंकि सीड भी तब लगेगी जब मैं इस डर्ट को एकदम मस्त हॉय से चेंज करूंगा। अब यार देखो सब कुछ हो चुका है, मैंने कहा रेड टी शर्ट पहनी है तो रेड कलर की ग्लास यहाँ पर लाकर लगा देता हूँ, पता नहीं ऐसा मैंने क्यों सोचा बट ठीक है, रेड ग्लास ठीक तो लग रहे हैं। ओके सब ठीक है, बस मुझे ऊपर से भी कवर करना होगा ताकि अपना जो थोड़ा बहुत भी वीट है वो इधर उधर गिरे ना। ओके तो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब बस मुझे यहाँ पर इन कैनाल्स में पानी डालना होगा ताकि वीट जो है अपनी मस्त ग्रो। तो मैं यहाँ पर एकदम मस्त इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेता हूँ, मेरे पास 2 बकेट है। ओके तो यहाँ पर मैंने एकदम मस्त रेडस्टोन का भी सेटअप कर दिया है ताकि मैं जैसे एक बटन दबाऊं अपने आप ट्रैप डोर ओपन हो, पानी आए और सारी की सारी जो वीट है वो कलेक्ट होके चेस्ट में आ जाए। तो अभी मेरा वीट फार्म भी बन चुका है बट मुझे ना यहाँ पर वुड फार्म बनाना है, लेकिन यार ये स्टोन फार्म ना मैंने गलत बना दिया है थोड़ा सा, मतलब फार्म सही बना है लेकिन गलत जगह पे बन गया है। क्या ठीक है, मैं ना क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना जल्दी से इस फार्म को तोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये काफी छोटा सा फार्म था इसलिए मैंने इसे दोबारा से तोड़ के इसे एकदम बगल में ही बना दिया है। अब ये वाली जगह पर मैं बनाने वाला हूँ वुड फार्म। ओके तो वुड फार्म बनाने के लिए मैंने बस चेस्ट रख दिया, चेस्ट के पीछे लगा देते हैं हॉपर कलेक्टिंग एरियाज के लिए और उसको मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हॉपर लगा के, टोटल 4 हो गए ना, 5-6 परफेक्ट, इस तरफ भी लगा देते हैं 4। तो कलेक्टिंग बेस के फ्रंट में मैंने थोड़े बहुत ग्लास लगा दिए और साइड में वॉल्स बना दिए और अब मैं ढेर सारी डर्ट लेकर आ चुका हूँ इसका एकदम मस्त बेस बनाने के लिए, लेट्स गो डर्ट को लगाते चलते हैं। डन गाइस, ये वाला बेस कंप्लीट हो गया, फटाफट से ना इसकी मैं बाउंड्री बना लेता हूँ और इसके आगे ना मैं एक लेयर और ऊपर जाने वाला हूँ जैसे हमने वीट फार्म में किया था। तो मुझे ना अपनी लेयर को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि जैसा मैंने बताया था पानी 7 ब्लॉक तक ही जाता है। तो ये देखो अभी अपना सामान एकदम मस्त आके कनेक्ट होने वाला है, फैंस की क्रीपर भाई सामान तोड़ के जाएगा आज मेरा, बाकी तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है इतनी देर से। Done guys, तो सब कुछ हो चुका है और देखो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है अपना कलेक्टिंग बेस। ओके गाइस, तो अपना कलेक्टिंग बेस से ना मुझे थोड़ा बहुत ऊपर जाना होगा क्योंकि ऊपर जाके मैं ट्री ग्रो करूंगा और ट्री ग्रो करके उनकी वुड तोड़ते रहूंगा बैठ के और जो वुड है वो नीचे आके गिरेगा और चेस्ट में जाके कलेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो, तो अपना वुड फार्म 95% कंप्लीट हो चुका है बट अभी भी हमें इस फार्म से वुड नहीं मिलने वाला, जो बाकी का 5% है उसमें मुझे एक ट्री ग्रो करना है और सबसे बेस्ट ट्री होता है स्प्रूस क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी उसके अंदर वुड होती है और आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में हमें एक स्प्रूस बायोम मिला था तो वहां पे चलते हैं और वुड लेकर आते हैं उनकी सैपलिंग भी। ओके तो फाइनली मैं उस बायोम में वापस आ चुका हूं, अब बस मुझे यहां पर ढेर सारे ट्री को तोड़ने हैं, उनकी पत्तियां तोड़नी है ताकि सैपलिंग मिल जाए। ऑल राइट, तो अभी मैं थोड़ी बहुत सैपलिंग यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, फटाफट से चलते हैं अपने फार्म पे और इन सैपलिंग को लगा के बोनमिल मार के मुझे ग्रो करना होगा। टोटल 4 मैंने लगा दी और ये मारा बोनमिल और ये देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा पेड़ यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे कुछ इसी टाइप से ना बहुत सारे ट्री यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एकदम मस्त ग्रो करने हैं। अबे यार बोन मील ही खत्म हो गया, क्या ठीक है मैं बोन मील भी बना लूंगा थोड़ा बहुत, बाकी अभी यहाँ पर बस मुझे इस तरीके से तोड़ते जाना है, वुड मुझे मिलते रहेगा और जो एक्स्ट्रा वुड नीचे जाके गिरेगा
वो हम कलेक्ट कर लेंगे। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैंने अपनी माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज के सेकंड एपिसोड में ही पूरे के पूरे 5 बेसिक फार्म बना लिए हैं। बग यार अपना जो वुड फार्म है ना, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत बोन मील चाहिए होगा, क्योंकि बिना बोन मील के मैं ट्री ग्रो नहीं कर पाऊंगा। खैर ठीक है, बोन मील कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, नेदर में भर भर के मिलता है, तो उसे बाद में कलेक्ट कर लेंगे। बाकी आपके पास जो भी आइडियाज है नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 550,000 लाइक्स के लिए। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ नीचे रेड कलर का प्यारा सा बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।